कल भी एक थीम को हम बात कर रहे थे कि यूरोप को जो केटर करती है कंपनियां, उसमें मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स हैं, भारत फोर्ज, वैरक इंजीनियरिंग, और मदरसन सुमी आज भी चल रहा है। कल ये BTSC ट्रेड भी था और कल 4-4.5% चला भी था। क्या यहां से भी प्लस कर सकते हैं मदरसन सुमी को? कुश जी संवर्धना मदरसन, हम ये वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं, करेक्ट? राइट? जी वेल, देखिए अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक रेंज में है, 20 डे मूविंग एवरेज के पास रेजिस्ट कर रहा है, तो इस पे थोड़ा सा वॉचफुल रहना बेटर होगा। यहाँ पे 97 के ऊपर अगर आपको एक मूव मिले तब आप इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करें, वरना हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें कंसोलिडेशन मोड में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो मैं वॉचफुल रहूंगा यहाँ पे। बट मेरी जो फ्रेश बाइंग इनिशिएट होगी दैट विल हैपन वंस द स्टॉक क्रॉसेस द 97 थ्रेशोल्ड। श्रीराम का स्टॉक तेजी से ऊपर आया है, पर 5% ऊपर है, करीब 48 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है DCM श्रीराम में। जय, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको इस कंपनी के? तो DCM श्रीराम का चार्ट मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि वो वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर हम देखें तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हम देख सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से सब मूविंग एवरेजेस अराउंड जो 50 डे, 100 डे और 21 डे कन्वर्ज हो रही है, तो उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आ सकता है, 1065 तक के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। मोमेंटम अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हम देखे तो अराउंड वीकली चार्ट पर 10% का अप मूव दिखाया, RSI मॉडरेट जोन में वॉल्यूम के साथ आ रहा है, ऑल्सो MACD पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगा ये स्टॉक में हम मोर देन 1000 के लेवल्स आज के दिन में देख सकेंगे, और आने वाले दिनों में 1065 के लेवल्स आते हुए ये स्टॉक में हम देख सकेंगे। वो रेजिस्टेंस भी पिछले 2 महीने पहले का रेजिस्टेंस भी है, तो थोड़ा मुझे वहां पर एक रुकावट दिखी।